Ahmadmi Party Chief Erwin Ketuwal has claimed that the BJP wants to get him arrested before the Lok Sabha polls so that he can be prevented from campaigning. In a press conference at his official residence on Thursday, the Delhi Chief Minister spoke about the Enforcement Directorate's summons issued to him in connection with the Delhi excise policy case he said the investigating agencies could not find a single rupee irregularity in their two-year investigation and that they do not have any evidence against anyone. he said the bjp wants to get him arrested. his biggest strength, though, is his honesty, he said, asserting that they want to malign his image through false cases and fake summons. the bjp's purpose is not to carry out an investigation. the purpose is to stop him from campaigning in the lok sabha polls, the delhi chief minister said. शराब घोटाला पिछले दो साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है झूठे आरोप लगा के फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है मैंने बताया है कि उनके समन कैसे कानूनी है लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है क्या मुझे एक गैरकानूनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समन भेजा है क्यों इस जांच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया सीबीआई ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं सीबीआई में गया था उनके सारे जवाब भी दिए थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है एक नहीं दो नहीं कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी आई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उनपे गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए